और ये श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। आइए इस खुशनुमा महफिल में गुरु महाराज जी के चरणों में हम आज कितना आनंद आ रहा है, कितना हर्ष उल्लास सबके मनों में है, क्योंकि आज सद्गुरुदेव भगवान इस धरती को पावन कर रहे हैं। और पावन करने के लिए हमारी छोटी बहन पावनपुरी को ही बिठा दिया, ताकि सब रूहों को वो पावन गुरु महाराज जी के नाम से करे। हमारी बहन सुख सागर जी जो बात कह रहे थे, मुझे बहुत पुरानी एक बात याद आ गई। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज जी के जीवन के साथ जुड़ी हुई एक बात थी। श्री महाराज जी जब खन्ना में विराजमान होते थे, हमारी माताएं एक ऐसा भजन महाराज जी को सुनाया करती थी, बहुत भावपूर्ण वो भाव था। जैसे भाई जी ने कहा कि ये ईश्वर की दुकान है, ये भाव है, दुकान से भी सौदा लेना है। क्या वो सच का सौदा है? और आज श्री गुरु महाराज जी का ये जो एक केंद्र बना है, किसी का एक भाव है कि यहाँ रूहों के रोगों का निवारण होता है। हमारी रूहों जिनके अंदर विकार ही विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, उनका निवारण करने का ये एक केंद्र बना है, इसे इसको हॉस्पिटल कह सकते हो। श्री महाराज जी के चरणों में हमारी माताएं गाया करती थी, मैं ज्यादा तो नहीं, वो एक अंतरा केवल ऐसे ही कहूंगी। वो भजन है, ओ मेरी रूह दे डॉक्टर, करो मेरा इलाज जी, ले लो ये केस मेरा हुआ मैं बीमार। उसमें एक पंक्ति आती है, दुनिया दे हर कोने कोने तेरे हस्पताल जी, अजब निराली नर्से तेरी कंपाउंडर कमाल। ये हमारे संत जन, आपको लगता है ये नर्सों वाला बाना महाराज जी ने सबको दिया है। दुनिया दे हर कोने कोने तेरे हस्पताल जी, अजब निराली नर्से तेरी कंपाउंडर कमाल जी, फैली है महिमा तेरी दो जहान जी, ले लो ये केस मेरा हुआ मैं बीमार। लगता है हमारे सद्गुरुदेव भगवान आज इस धरती को पावन कर रहे हैं, और आप सब भक्तों की रूहों को ना जाने अपनी कृपा के पात्र बनाने के साथ साथ एक ऐसा हमें सौभाग्य आपको मिला है कि आप सदा सदा के लिए गुरु चरणों पर न्यौछावर होने वाले इन भक्तजनों का एक जिम्मेवारी गुरु महाराज जी ने ली है कि आओ। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मेरी शरणागति में आ जा, सब धर्मों को छोड़कर। बस यही अपने आप के अंदर एक भाव लेना है, हम गुरु महाराज जी के चरणों में आए, नित्य प्रति उनके चरणों में हाजिरी लगाएं, उनकी कृपा के पात्र बने। तो आओ, मैं समय को देखते हुए ज्यादा नहीं कहूंगी। गुरबाणी के अंदर एक श्लोक आता है, सा धरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। ये धरती कितनी हरी भरी नजर आती है, इन गलियों में पता नहीं कोई आता भी होगा कि नहीं, लेकिन आज दूर दूर से संत जन भक्त जन सभी आकर इस धरती पर बैठे हैं।
वो बात ये स्पष्ट है कोई ना कोई हमारा सबका पुण्य उदय हुआ है।